श्रीमद् नारद पुराण एवं पद्मोत्तर खंड में कहा गया है, रटन्ति ह पुराणानि भूयो भूयो वरानने, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। अर्थात, हे वरानने, सभी पुराण यह घोषणा करते हैं कि हरिवासर यानी एकादशी तिथि होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, आखिर क्यों एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है और क्या इसके विषय में शास्त्रों में कोई प्रमाण है? और कई परिस्थितियों में सभी मनुष्यों के लिए एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल उपवास करना या सिर्फ जल के साथ उपवास करना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में एकादशी का पालन कैसे किया जाए और ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका एकादशी के दिन सेवन कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वैदिक विज्ञान से भरे वीडियो आपको सही समय पर सही स्थान पर मिलते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में अनेक स्थान पर ये बात कही गई है कि एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न युक्त भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। नारद पुराण में कहा गया है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे, तानि पापानि अवाप्नोति भुञ्जानो हरिवासरे। अर्थात, हरिवासर यानी एकादशी आने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे समस्त पाप अन्न में समाविष्ट हो जाते हैं, अतः हरिवासर में अन्न युक्त भोजन करने पर ये सभी पाप व्यक्ति को मिल जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानवः, यानी मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा यति ही एकादश्याम हि भुंजानो भुक्ते गोमांस एव ही। अर्थात, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा यति जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। ये तो सिर्फ कुछ संदर्भ हैं जो अभी हमने आपको बताए। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, एकादशी उपवास के कई प्रकार हैं। पहला है संपूर्ण निर्जल उपवास। जो व्यक्ति निर्जल उपवास रखते हैं वे एकादशी के दिन संपूर्ण जल और अन्न का त्याग करते हैं। उस दिन वे पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। दूसरा प्रकार है सजल उपवास, यानी एकादशी के दिन सिर्फ जल पीकर ही उपवास करना, जल के सिवा और कुछ भी ना खाना और ना ही पीना। तीसरा उपवास होता है सफल उपवास, यानी जो व्यक्ति इस प्रकार का उपवास करते हैं वे एकादशी के दिन एक या दो बार जल दूध और फल लेते हैं। और चौथे प्रकार का उपवास है एकादशी प्रसाद युक्त उपवास, अर्थात एकादशी के दिन जो चीज़ें खाई जा सकती है उससे बना भोजन प्रसाद लेकर किया गया उपवास। हम सब जानते हैं कि निर्जल और सजल उपवास अत्यंत कठिन है और ये सभी के लिए हर एकादशी पर करना संभव नहीं होता। इसलिए अधिकतर लोग एकादशी का उपवास सफल और एकादशी प्रसाद के साथ करते हैं। ये उपवास करने से भी आपको एकादशी का संपूर्ण फल ही मिलता है। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि एकादशी के दिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ हैं गेहूँ, चावल, दलिया, हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, जुवार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, सौंफ, तिल, अजवाइन, खसखस, हल्दी,
मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। इस दिन बाहर से बने हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, रस्क, जेली, पुडिंग, पापड़, अचार, सोया से बने हुए पदार्थ, कस्टर्ड, चीज़, पैकेट्स वाले नाश्ते, बेकरी आइटम्स इत्यादि। कुछ सब्जियां भी ऐसी है जिसका उपयोग हम एकादशी के दिन नहीं करते हैं, और वो है गोभी, पत्ता गोभी, फलियाँ, बीन्स वाली प्रत्येक सब्जी, पालक, मटर, चने, करेला, ब्रोकली, तोरी, भिंडी, बैंगन, पत्तेदार कोई भी साग इत्यादि। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज तो बिल्कुल वर्जित है ही, लेकिन उसके साथ साथ चाय और कॉफ़ी जैसे मादक द्रव्य भी नहीं लेने चाहिए। हो सकता है आपको प्रतिदिन चाय और कॉफ़ी पीने की आदत हो, लेकिन अगर आप सच में एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन आपको चाय, कॉफ़ी और बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, एकादशी के दिन इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते? ओहो, तो फिर तो पूरा निर्जल उपवास ही हो गया एक तरह से, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एकादशी में ना खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा लंबी लिस्ट एकादशी में खाने वाली रेसिपीज़ की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी में क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो इस दिन आप कुछ आटा ले सकते हैं, जैसे कि राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा। एकादशी उपवास में आप साबूदाना, सामक चावल और राजगिरा भी ले सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंदी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, नारियल, खीरा, गाजर, कद्दू, पेठा, कच्चा पपीता, कटहल इत्यादि ले सकते हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, मूंगफली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप हर प्रकार के सूखे मेवे ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खजूर, मखाना, मिश्री इत्यादि। इसके उपरांत हर प्रकार के फल भी एकादशी उपवास में लिए जा सकते हैं। अच्छा, एकादशी का भोजन बनाने के लिए अच्छा तो यही होगा कि सिर्फ घी का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप मूंगफली का तेल और सनफ्लावर तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी तेल, घी या मसाले का प्रयोग करें तो वे साफ होने चाहिए। यानी पहले आपने किसी तेल में कोई चीज़ तली हुई है तो उसी तेल में दोबारा एकादशी प्रसाद मत तलिएगा। उसी प्रकार घर में कोई भी मसाले अगर आटे वाले हाथों से उपयोग में लिए हुए हो या उसमें हल्दी गिरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी भोग बनाने के लिए साफ मसाले ही प्रयोग में लेने चाहिए। एकादशी में दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, माखन, पनीर, मट्ठा, चीज़, श्रीखंड, लस्सी इत्यादि, और दूध से बनी हुई मिठाई भी। आप नींबू पानी भी बना सकते हैं और जलजीरा भी। बस याद रहे उसमें कोई ऐसा मसाला ना डालें जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न का प्रयोग किया गया हो। मीठे में आप चीनी, गुड़, मिश्री और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट से आपको हम कुछ एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ के नाम बता देते हैं। आलू सब्जी, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू या राजगिरे के आटे से बनी हुई पूरी, पराठे, चपाती या भाखरी, साबूदाना खीर, फ्रूट क्रीम बिना कस्टर्ड पाउडर के, आलू टिक्की, साबूदाना अप्पम, फ्रेंच फ्राइज, घर पर तले हुए आलू चिप्स, साबूदाना वेफर्स या सेव, कुट्टू, सिंघाड़े या राजगिरे के आटे से बने हुए पकौड़े, केले के चिप्स या केले की सब्जी, दही का रायता, मीठी लस्सी, आलू और पनीर की सब्जी, राजगिरे का हलवा, शकरकंदी का हलवा, रोस्टेड पनीर, नारियल के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, मिल्क केक, गाजर का हलवा, मूंगफली चिक्की, राजगिरे के लड्डू, बादाम शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, मिक्स फ्रूट जूस, खीरा, टमाटर, बॉइल्ड मूंगफली और नींबू से बना सैलड, मूंगफली की चटनी, रोस्टेड मूंगफली, मखाना स्नैक्स और साबूदाना वड़ा। ये तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के नाम है जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रेसिपी याद आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं या गर्भवती महिला या फिर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए बिना कुछ खाए पिए रहना संभव नहीं है। तो इसलिए उनके लिए इतने सारे एकादशी व्यंजन आप बना सकते हैं, और फिर अगर एकादशी के दिन अगर इतनी वैरायटी मिलेगी तो बच्चे और बूढ़े खुशी खुशी एकादशी व्रत रखेंगे और उसका पुण्य फल मिलेगा आपको।
तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके आप एकादशी के दिन भी स्वादिष्ट और अनेक व्यंजन तैयार कर सकते हैं। लेकिन नियम केवल एक ही है कि एकादशी के दिन जो भी भोग बनाएं उसके अंदर तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए, उसके बाद ही खुद उसका उपयोग करें या फिर अन्यों को दें। अब देखिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा कि सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एकादशी के दिन हम अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करके स्वस्थ रहकर अधिक से अधिक समय अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर परम भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक नाम जप कर सकें, उनके दिव्य रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर सकें और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर स्थिर कर सकें। ये बात हमेशा याद रखें। तो चलिए, इस एकादशी पर आप इनमें से कौन सी रेसिपी ट्राई करेंगे ये आज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप निर्जल उपवास कर रहे हैं तो निर्जल उपवास ये लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सहायता मिली है तो इसे लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। एकादशी की महिमा का प्रचार करने के हमारे इस अभियान में जुड़िए और संभव है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एकादशी से संलग्न और नई रोचक जानकारी के साथ। हरे कृष्णा।